दोस्तों ओप्पो ने आज चाइनीज मार्केट में अपने ओप्पो रेनो 10 सीरीज को लॉन्च कर दिया है एंड हमने ओप्पो रेनो 10 प्रो एंड 10 प्रो प्लस के ऊपर ऑलरेडी वीडियो दे दिया, तो आप जाकर देख सकते हैं। बट आज के इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ फिलहाल बात करने जा रहा हूँ ओप्पो रेनो 10 के बारे में, क्या इसकी कन्फर्म स्पेसिफिकेशन क्या रखी गई है, चाइनीज मार्केट में इसकी क्या प्राइसिंग रखी गई है, इंडियन मार्केट में ये स्मार्टफोन कब तक आएगा तो इसकी क्या कुछ प्राइसिंग हो सकती है। इन टोटल आज के इस वीडियो में आपको ऑलमोस्ट सारी जानकारी देने वाला हूँ ओप्पो रेनो 10 से रिगार्डिंग, तो बस आप इस वीडियो में एंड तक जुड़े रहिएगा। सो हाय गाइस, मैं सौरभ, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल, सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम गाइस लेट्स गेट स्ट्रेट टू द वीडियो। सो दोस्तों चलिए सबसे पहले मैं आपसे यहां पे ओप्पो रेनो 10 के जो है स्पेसिफिकेशन के बारे में बातें कर लेता हूं। तो दोस्तों यहां पे जो है आपको 6.7 इंच का एक फुल एचडी प्लस वाला कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, जहां पे जो आपको 120 हर्ट्ज का हायर रिफ्रेश रेट लाकर दिया गया है। सामने की तरफ 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है जो कि पंचोली स्टाइलिंग के साथ में आता है एंड बैक की तरफ जो आपको ट्रिपल कैमरा देखने को मिलता है, जहां पे जो प्राइमरी कैमरा वो यूज करा गया है 64 मेगापिक्सल का, सेकेंडरी कैमरा 32 मेगापिक्सल का है जो कि टेलीफोटो लेंस के साथ में आता है, थर्ड कैमरा जो है 8 मेगापिक्सल का है जो कि अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस के साथ में आता है। अगेन मैं कहूंगा कि यहाँ पे कैमरा अलाइनमेंट जो है अच्छा करा गया है एंड हाँ यहाँ पे आपको मारी सिलिकन एक्स वाला जो देखने को मिलता है मैकेनिज्म ओप्पो का खुद का वो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। बैटरी डिपार्टमेंट की बात करें तो यहाँ पे जो आपको 4600mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है जो कि 80 वाट के फास्ट चार्जिंग के साथ में आएगा, चलो ये भी ठीक है। एंड प्रोसेसर यहाँ पे यूज करा गया है क्वालकॉम की तरफ से स्नैपड्रैगन 778G जो कि 5G मॉडल को सपोर्ट करता है, जिसके कारण ये स्मार्टफोन जो है 5G बन जाता है। एंड यहाँ पे जो आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाते हैं, 3.5mm जैक हाँ मिसिंग होने वाला है, डुअल सिम का सपोर्ट देखने को मिल जाता है एंड ये स्मार्टफोन जो आपको एंड्रॉइड 13 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलता है। तो ये रही यहाँ पे स्पेक्स की कहानी ओप्पो रेनो 10 की। अब अगर मैं आपसे इसके चाइनीज प्राइसिंग के बारे में बात करूँ तो देखिए चाइनीज मार्केट में ये स्मार्टफोन मल्टीपल वेरिएंट्स में लॉन्च करा गया है, बट मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ इसके बेस वेरिएंट के बारे में बात करूंगा जो कि निकल कर आता है 8GB रैम प्लस 256GB इंटरनल स्टोरेज, जिसकी प्राइसिंग रखी गई है चाइनीज मार्केट में 2499 युआन, जिसको अगर हम इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करते हैं तो वो निकल कर आता है तकरीबन 29,500 रुपए। तो हम लोग मानकर चल सकते हैं कि 30,000 रुपए इसकी प्राइसिंग जो है चाइनीज मार्केट में रखी गई है। अब बताया ये जा रहा है कि ये स्मार्टफोन जो आपको इंडियन मार्केट में जून एंड या फिर जुलाई के मंथ में देखने को मिलेंगे। जी हां दोस्तों, जून एंड या फिर जुलाई के मंथ में इंडियन मार्केट में देखने को मिलेंगे एंड प्राइसिंग बताई जा रही है कि स्मार्टफोन को कि आपको देखने को मिलेगी अप्रॉक्सिमेटली 35,000 रुपए। जी हाँ, 35,000 के अप्रॉक्सिमेटली इसकी प्राइसिंग जो है इंडियन मार्केट में होने वाली है। तो बस यही जानकारी थी जो मैं आपको देना चाहता था ओप्पो रेनो 10 से रिगार्डिंग। तो बस फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक तो कीजिएगा ही कीजिएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा। दोस्तों आपका कोई भी क्वेश्चन या फिर ओपिनियन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ डालिए। तो दोस्तों मिलता हूं आपसे किसी ऐसे ही एक और नई वीडियो में, टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग, बाय बाय।